हरे कृष्णा, सात्विक रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता इन रेड सॉस। पास्ता इन रेड सॉस बनाने के लिए आपको कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, जिसमें आप कैप्सिकम, बीन्स, कॉर्न, बेबी कॉर्न कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ता बनाना इन रेड सॉस। इसके लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे। पैन में बटर गरम करते हैं। बटर की जगह आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जब तक बटर मेल्ट हो रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ बटर के अंदर। ये बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर देता है पास्ता में। उसके बाद चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स आपको जितना आपके हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा ऐड कीजिए, नहीं तो थोड़ा ऐड कीजिए। फिर हम ऐड कर रहे हैं मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब में ऑलरेडी बेजिल, थाइम, ये सब चीज़ें रहती हैं, ऑरिगैनो रहता है इसके अंदर। अब देखेंगे कि बटर के अंदर सिजलिंग साउंड आ रही है, एकदम सब चीज़ें अच्छे से सिजल हो रही हैं बटर में। और जो रेड चिली फ्लेक्स हैं, उन्होंने एक अच्छा सा कलर भी दे दिया है बटर को। अभी हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के लिए पहले हम कैप्सिकम ले रहे हैं, जिसमें मैंने लिया येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, रेड, ये मैंने बेबी कॉर्न लिया है जिसको गोल गोल कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे इसके अंदर। ये ब्रिंजल लिया है जिसको स्लाइस किया है। नॉर्मली आप पास्ता रेसिपीज में देखेंगे तो बहुत जगह पे एग प्लांट लिखा रहता है। एग प्लांट इज नथिंग बट एक सिंपल ब्रिंजल है, जो बैंगन का भरता जिसका हम बनाते हैं वही ब्रिंजल है। हमें इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा सौते नहीं करना है, सिर्फ क्रिस्प करना है। क्रिस्प करने के लिए थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से चला लेंगे। ये मेरे पास कुछ चेरी टमाटोज हैं, ये भी ऐड करेंगे इनके अंदर। वेजिटेबल्स एकदम सिजल होकर रेडी हैं। अब हम इसमें ये टमाटो प्यूरी ऐड कर रहे हैं। टमाटो प्यूरी के लिए मैंने कुछ 5 टमाटोज को ओपन बाउल में गैस के ऊपर बॉईल किया है और इनका छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद मिक्सर में इसको ब्लेंड किया और ये प्यूरी रेडी हो गई। अब ये टमाटो प्यूरी हम इस वेजिटेबल्स में ऐड कर देते हैं। अभी वेजिटेबल्स के साथ इस प्यूरी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। नमक आपको क्वांटिटी थोड़ा ध्यान रख के डालनी होगी, बिकॉज बाद में जब हम चीज़ ऐड करेंगे तो चीज़ में भी ऑलरेडी नमक रहता है, तो उस ध्यान से डालिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर। हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता को मैंने पहले से प्री बॉयल करके रखा है। पास्ता को बॉयल करने के लिए पैन में उबलता हुआ पानी लें। उबलते हुए पानी में ही पास्ता डालें। अगर आप ठंडे पानी में पास्ता डालेंगे तो वो इतना अच्छे से नहीं बॉयल होता है। और जब भी आप पास्ता बॉयल करें, उसमें तेल और नमक ज़रूर ऐड करें। पास्ता को अच्छे से मिक्स कीजिए सॉस के साथ। तो आप देख सकते हैं कितनी क्विक रेसिपी है। कुछ मिनट्स में ही हमने ये रेसिपी रेडी कर ली है। पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। ये बेजिल लीव्स को मैंने कट किया है, पास्ता में ऐड करते हैं। बेजिल से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा ही फ्लेवर आता है पास्ता में। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है लीव्स डाल के, क्योंकि लीव्स का फिर कलर चेंज हो जाएगा। हमें हल्का सा बस मिक्स करना है पास्ता के साथ। और अगर आप
ऐसा चाहते हैं कि वो लीव्स मुंह में नहीं आने चाहिए, तो आप जब टमाटो प्यूरी बना रहे हैं उस टाइम में बेजल बीच में डाल के प्यूरी में मिक्स भी ब्लेंड भी कर सकते हैं। और अब हम पास्ता का मेन इंग्रेडिएंट जो है चीज़, जो इसको और भी टेस्टी और यमी बनाएगा, वो ऐड करेंगे। ये मैंने चीज़ ग्रेट किया है ऑलरेडी, आपको जितना चीज़ पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करते ही हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि चीज़ को ज़्यादा गैस पे पकाना नहीं है, सिर्फ ऐड करके उसको मेल्ट करना है पास्ता के साथ। तो चलिए अब हम इस पास्ता को सर्व करते हैं प्लेट में और फिर भगवान को भोग लगाते हैं। तो चलिए अब हम इस पास्ता को गार्निश कर लेते हैं थोड़े से चीज के साथ। और अभी हम इसमें तुलसी लीव ऐड करके भगवान को भोग लगाएंगे। हरे कृष्णा। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए मक्खन 2 बड़े चम्मच, अजवाइन 2 छोटे चम्मच, चिली फ्लेक्स 2 छोटे चम्मच, मिक्स्ड हर्ब्स 2 छोटे चम्मच, कटी हुई पीली शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच, कटी हुई हरी शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच, कटी हुई लाल शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच, कटे हुए बेबी कॉर्न्स 1 बड़ा चम्मच, कटा हुआ बैगन 1/2 कप, चेरी टमाटोज 1/2 कप, टमाटो प्यूरी 2 कप, नमक 3 छोटे चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 छोटा चम्मच, उबले हुए पास्ता 3 कप, बेजल लीव्स 3/4 कप, कसा हुआ चीज़ 1 कप। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए एक पैन में मक्खन गरम होने दे, फिर उसमें अजवाइन, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स डाले और अच्छे से मिलाए। अब पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न्स, बैगन और टमाटर डाल के अच्छे से मिलाए। टमाटर प्यूरी डाल के अच्छे से हिलाए। अब नमक, सफ़ेद मिर्च, उबले हुए पास्ता डालें और हिलाएं। अब बेजिल लीव्स डाल के अच्छे से मिला लें। अंत में कसा हुआ चीज़ मिलाएं। पास्ता प्लेट में निकालें और चीज़ से गार्निश करें। हमारा स्वादिष्ट रेड सॉस पास्ता तैयार है।